प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत बजट समय पर खर्च करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य एवं वित्त नियंत्रक की होगी, जबकि कॉलेजों में निर्माणाधीन कार्यों को पूरा करने में लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एनएमसी मानकों के अनुरूप शैक्षणिक पदों, गैर शैक्षणिक एवं पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का ढांचा तैयार कर शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक में सूबे के राजकीय मेडिकल कॉलेजों द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए स्वीकृत बजट खर्च करने की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृति बजट को समय पर खर्च करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य व वित्त नियंत्रक की होगी। यदि बजट खर्च में लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर भी असंतोष व्यक्त करते हुए विभागीय मंत्री ने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, यदि कोई निर्माण कार्यों में किसी कार्यदायी संस्था की लेट लतीफी सामने आती है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही धन सिंह रावत ने एनएमसी मानकों के अनुरूप टीचिंग और अन्य आवश्यक कार्मिकों का ढांचा तैयार कर कैबिनेट में लाने के निर्देश दिए। एमकेएन न्यूज की डेस्क रिपोर्ट।